जसप्रीत बुमराह के कमबैक को लेकर हम सभी गुमराह हैं। आखिर वो कब कमबैक कर रहे हैं? आखिर वो कब हमें इंडियन जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे? वो लाइन लेंथ, वो पेस, वो यॉर्कर्स आखिर हमें कब दिखेंगे? बैक इंजरी के चलते जसप्रीत बुमराह काफी लंबे टाइम से टीम इंडिया से बाहर है। टीम इंडिया ने उन्हें कई बड़े टूर्नामेंट्स में मिस करा, जैसे की एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप 2022। अभी न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज से पहले एक अच्छी खबर मिली थी फैंस को, उनका नाम था स्क्वाड में, पर वो नाम जल्दी लापता हो गया। यानी कि रिपोर्ट्स आए और फिर कंफर्म भी हुआ कि जसप्रीत बुमराह सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब जो बीत गया सो बीत गया, बात करते हैं आज की। तो सवाल ये है, आखिर कब वो कमबैक करेंगे? अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है, पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगले दो टेस्ट मैचेस यानी कि थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच में हमें वो खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या स्क्वाड में उनका नाम होगा? और जब ये बात रोहित शर्मा से पूछी गई, यानी कि टीम इंडिया के कैप्टन से, उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए तो वो ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। मैं होप कर रहा हूँ कि लास्ट के दो टेस्ट मैचेस जसप्रीत बुमराह टीम के साथ हों। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि बैक इंजरीज बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इसके बाद भी हमें बहुत क्रिकेट खेलना है। हम एनसीए के डॉक्टर्स और फिजियोस से बातचीत कर रहे हैं, हम उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं, और मेडिकल टीम जसप्रीत बुमराह को उतना टाइम देगी जितना उन्हें चाहिए पूरी तरह से फिट होने के लिए। तो गाइस, रोहित शर्मा को भी नहीं पता कि आखिर जसप्रीत बुमराह कब कमबैक कर रहे हैं। वो भी हमारी तरह बस होप भी कर रहे हैं। होप करते हैं कि लास्ट के जो दो टेस्ट मैचेस हैं उसमें जसप्रीत बुमराह हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। वैसे एक बात मानने वाली है, जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में बाकी पेसर्स ने कमाल का काम करा है। अब सोचो, अगर जसप्रीत बुमराह कमबैक करते हैं तो ये पेस अटैक कितना खतरनाक होने वाला है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ, नहीं करते तो भी नीचे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी मैटर करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करने से बिल्कुल मत शर्माना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे है मंदिर में आए और घंटी में न बजाए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया ना तो गाइस एक बार होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो फेसबुक पर तो हमें लाइक करना, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। आपने क्रिकेट ट्रैकर की ऐप को डाउनलोड करा? गाइस अगर नहीं किया ना तो फटाफट से कर लो, क्योंकि वहां पर आपको पल पल में क्रिकेट अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।